नमस्कार। देखिए, मोहब्बत की दुकान खुल चुकी है। देखा आपने? और देखिए, मोहब्बत की दुकान खुलने के बाद पहला, सबसे पहला जो मोहब्बत भरा संदेश है मैं भेज रहा हूँ उन लोगों को। किनको भेजना था? हाँ, चंद्रयान 3 ऊपर पहुँच चुका है, उन लोगों को मेरी तरफ से बधाई। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है कि चंद्रयान 3 जब गया है तो उसमें कौन कौन है। एक राजभर साहब हैं, कहना तो नहीं चाहिए, खुफिया के पट्टे हैं, लेकिन कहना नहीं चाहिए। कह रहे हैं सबसे बड़ी बात तो ये है जी, इस बात की बधाई कि सभी यात्री ढंग से उतर गए। अरे बेवकूफ आदमी, उसमें सिर्फ पायलट जाता है। उतर गए क्या, ये हो गया क्या, वो हो गया क्या? जब पता नहीं है तो मुंह बंद रखो ना। दिमाग बंद है तो कम से कम मुंह भी बंद रखो। मैंने नहीं रखा हुआ सर, उसमें पायलट नहीं जाता है। पायलट नहीं जाता? अच्छा, ये एडिट करा देना। अरे कोई तो जाता होगा, वरना सबूत दो हमें, पहुंचाया भी है या नहीं। मुझे बिठा करके भेज देते, मैं चला जाता। मोहब्बत की दुकान में ऊपर खोल लेता चांद पे। इतनी दूर जाने की जरूरत क्या थी? अब मैं आपको बोलूंगा, आप मेरे से सहमत होंगे। पाकिस्तान चले जाते, उसका नाम चांद रख देते। क्यों पूछिए? क्यों? चांद पे लाइट है, पाकिस्तान में भी नहीं है। चांद पे खाना है, पाकिस्तान में भी नहीं है। चांद पे पानी है, पाकिस्तान में भी नहीं है। चांद पे बीवी की शक्ल मिलती है चांद से, पाकिस्तान में भी नहीं मिलती है। और तो और, चांद में भी इकोनॉमी नहीं है और यहां पे भी नहीं है। तो फिर इतने 650 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद आप वहां गए हो, वो भी हमें तो पता नहीं आप गए हो या नहीं गए हो। गए हैं क्या? अच्छा, गए हैं। मैं तो कह रहा हूं मम्मी बूढ़ी होती जा रही है, उन्हें ले जाते साथ में। पर प्रॉब्लम है ना यार, वहां मम्मी जाती तो फिर वो इडली का नाम रखती, इडली का झंडा लगा देती। कोई बात नहीं, जो भी है। पर मुझे, मेरे पास सबूत नहीं आया है, आई एम नॉट कन्फर्म। मैं तो मेहनत के लिए उनको वो दे रहा हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक बात बताओ, मैं जब आपकी सारी बातों को मान लेता हूँ तो आपको भी तो मेरी बात माननी चाहिए। माना मैं प्रकाश राज नहीं हूँ, मैं सावरकर नहीं हूँ, मैं तेंदुलकर नहीं हूँ, मैं अपने आप में एक अलग किस्म का हूं। और जो झेल सकते हैं वो झेलो, जो नहीं झेल सकते हैं वो मेरे चमचे हैं। वो देखो, अभी इस वीडियो के बाद जब ये अपलोड होगा तो नीचे कमेंट करेंगे, दलाल चैनल ये वो फलाना दिमाग का। कर लो, अपनी माँ को भी याद कर लो, अपनी बहन को भी याद कर लो, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। तुम चमचे ही मरोगे। वो तो फिर भी भगत हैं, भगत लोग कहीं पहुंच जाते हैं, राम मंदिर बनवा लेते हैं, तुम क्या करोगे भैया बता दो। ओ गाजी, देर से बोल रहा हूं, छोड़ो यार, मूड खराब कर देते हैं लोग। अगर तुम मेरे सच्चे चमचे हो तो ट्वीट के अंदर भी ढंग से बात करो, कहो हिंदुस्तान जिंदाबाद, चंद्रयान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। नहीं, मैं ये क्यों बोला? नहीं, पाकिस्तान भी ठीक ठाक, नॉट जिंदाबाद, नॉट मुर्दाबाद, ठीक ठाक। क्यों पूछिए? क्यों? एक चांद है, एक पाकिस्तान है, दोनों में ज्यादा सिमिलरिटी नहीं। पीछे बता चुका हूं सब चीजें 4 मिनट पहले, अब बार बार नहीं बताऊंगा मैं आपको, पहले मैं खुद भूल जाता हूं, आपको बताऊं पहले। और जो लोग, जिन लोगों को शक था
कि भैया राहुल गांधी तो ऐसे ही है, हाँ मशीन बना रहा है जिसमें आलू आलू से सोना वोना समथिंग समथिंग, और मैं तुम्हारी बात पे विश्वास कर लूँगा, तुम पहुँच गए चांद पे। सबूत दो, दो खड़गे को ले जाते बड़े मुंह वाले को। चांद भी बोलेगा भैया मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, इंडिया आ चुका है मैं हूँ। उसका इतना बड़ा काला मुंह देख करके बोलेगा हाँ नहीं भाई ठीक, तब सबूत माने। और वो इकलौता ऐसा जो वापस भी आ जाएगा, इतना बड़ा मुंह समाएगा कहाँ, अब ये देखो हम ही रख रहे हैं इतनी मुश्किलों से, वहां कैसे रखा जाएगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो वीडियो चमचो तो लिख देना, और ना लिखा ना तुमने तो ये लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि ये गोदी पोदी फलाना ढिमाका। और तुम्हें तो पता ही है, तुम जिसके चमचे हो वो पप्पू है, पप्पू हूँ। उखाड़ लो जो उखाड़ना है कमेंट्स में, मेरे तो कमेंट भी बढ़ रहे हैं और व्यूज भी। अब तो मोहब्बत की दुकान भी खोल दी है, जो लिखो मोहब्बत से लिखो, गलत है ठीक है। चंद्रयान के लिए और प्रकाश राज के लिए, हमारी बिरादरी का है भाई, सबूत जरूर चाहिए मुझे। बाय बाय एंड गॉड ब्लेस।